दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 820 प्रोसेसर को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ में। 855 जो प्रोसेसर है फ्लैगशिप प्रोसेसर है, बहुत सारे फ्लैगशिप डिवाइसेस में आपको देखने को मिला और परफॉर्मेंस काफी तगड़ी देता है। दूसरी तरफ बात करें मीडियाटेक डायमेंसिटी 820 की तो पोटेंशियल काफी ज्यादा है भाई प्रोसेसर के अंदर, और अभी तक किसी फोन में तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन रेडमी का जो 10X लॉन्च होने वाला है उसके अंदर आपको सबसे पहले ये वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर करते भाई दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते हैं दोनों में से कौन सा प्रोसेसर है बेटर। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं अपन 150 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक मिलेट चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। डायमेंसिटी 820 लॉन्च हुआ है 18 मई 2020 को, स्नैपड्रैगन 855 लॉन्च हुआ था 4 दिसंबर 2018 को, यानी लॉन्च डेट के हिसाब से डायमेंसिटी 820 बहुत ज्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है। CPU और CPU क्लॉक स्पीड की अगर अपन बात करें, डायमेंसिटी 820 के अंदर हमको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर 4+4 की बिग लिटिल अप्रोच दी गई है। 4 कोर मिलते हैं परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए, जहाँ पर मिलता है ARM Cortex A76 CPU, क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.6 GHz की। 4 कोर मिलते हैं यहाँ पर एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहाँ पर मिलता है ARM Cortex A55 CPU, क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.0 GHz की। स्नैपड्रैगन 855 की अगर बात करें, यहां पर अपने को ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। यहां पर 1+3+4 की बिग लिटिल अप्रोच देखने को मिलती है। पहला कोर मिलता है यहाँ पर क्रायो 485 प्राइम वाला, जो कि हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए यूज होता है और बेस्ड है ARM Cortex A76 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.84 GHz की। 3 कोर मिलते हैं लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहाँ पर मिलता है क्रायो 485 गोल्ड CPU, जो कि बेस्ड है ARM Cortex A76 पे। क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.42 GHz की। और 4 कोर यहाँ पर मिलते हैं एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, यहाँ पर मिलता है क्रायो 485, जो कि बेस्ड है ARM Cortex A55 के ऊपर, और क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 1.78 GHz की। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले कोर्स को अगर देखा जाए तो भाई स्नैपड्रैगन 855 के अंदर Cortex A76 मिल रहे हैं आपको 4 कोर और अप्रॉक्सीमेटली 2.6 GHz के आसपास की यहाँ पर आपको क्लॉक स्पीड देखने को मिल रही है। लेकिन क्रायो वाले जो कोर्स होते हैं ना, उनका ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा बेटर होता है, इसलिए हल्का सा एडवांटेज मैं यहाँ पर दूंगा स्नैपड्रैगन 855 को। मेरे हिसाब से CPU और CPU क्लॉक स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 855 थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर बने हुए हैं 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर, और भाई ये बेस्ट फैब्रिकेशन प्रोसेस है अभी की, यानी CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों प्रोसेसर बेस्ट हैं और दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर प्रोसेसर हैं, यानी दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलते हैं। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, डायमेंसिटी 820 के साथ में मिलता है आन माली G57 MC5 GPU, 7 नैनोमीटर का GPU है, 5 कोर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और क्लॉक स्पीड मिलती है आपको लगभग 900 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास की। स्नैपड्रैगन 855 के साथ में आपको क्वालकॉम एड्रेनो 640 GPU देखने को मिलता है, ये भी 7 नैनोमीटर का GPU है। क्लॉक स्पीड तो मेंशन नहीं की गई है, लेकिन भाई G57 से कहीं ज़्यादा बेटर GPU है। अगर स्कोर्स की बात कर लें तो एड्रेनो 640 का जो स्कोर है वो है लगभग 113 पॉइंट के आसपास, और G57 MC5 की बात करें तो इसका स्कोर तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से 104 से 105 पॉइंट इस वाले GPU को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और GPU के मामले में भी स्नैपड्रैगन 855 बेटर प्रोसेसर है। रैम सपोर्ट की बात करें, डायमेंसिटी 820 के साथ में डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है। 16 GB तक की रैम आपको मिल जाती है और 2133 मेगाहर्ट्ज की रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है। स्नैपड्रैगन 855 के साथ में क्वाड चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है। 16 GB तक की रैम आपको देखने को मिल जाती है और 2160 मेगाहर्ट्ज की यहां पर आपको रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है, यानी कि रैम सपोर्ट के मामले में भी स्नैपड्रैगन 855 बेटर प्रोसेसर है। बात की जाए स्टोरेज सपोर्ट की तो दोनों प्रोसेसर के साथ में आपको eMMC 5.1, UFS 2.1 और UFS 3.0 तीनों टाइप की स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है। स्टोरेज सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं।
कैमरा सपोर्ट की बात करते हैं, डायमेंसिटी 820 के साथ में 80 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा और 32 प्लस 16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 855 के साथ में आपको 22 प्लस 22 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप और सिंगल कैमरा अगर 48 मेगापिक्सल तक का यूज किया जाता है तो इन दोनों सेटअप में आपको MFNR और ZSL का सपोर्ट मिल जाता है और मैक्सिमम कैमरा साइज यहां पर मिलता है आपको 192 मेगापिक्सल का। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में भी स्नैपड्रैगन 855 बेटर प्रोसेसर है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की बात करते हैं, डायमेंसिटी 820 के साथ में आप अप टू 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 2160 पिक्सल्स वाले 4K अल्ट्रा एचडी वीडियो 60 FPS पर, फुल HD प्लस यानी 1080 पिक्सल्स वाले वीडियो 120 FPS पर और HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 240 FPS पर। वहीं पर बात करें स्नैपड्रैगन 855 की, यहां पर आपको अप टू 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। 4320 पिक्सल्स वाले 8K अल्ट्रा HD वीडियो आप 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। 2160 पिक्सल्स वाले 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप 150 फ्रेम पर सेकंड पर, 1080 पिक्सल्स को 60 FPS पर और 720 पिक्सल्स को आप 480 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको आप स्लो मोशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में भी स्नैपड्रैगन 855 बेटर प्रोसेसर है। डिस्प्ले सपोर्ट की बात करें, डायमेंसिटी 820 के साथ में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। 2520x1080 पिक्सल्स का यहाँ पर रिजोल्यूशन मिल जाता है और 120 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 855 के साथ में आपको 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। 2160x3840 पिक्सल्स का यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन मिल जाता है और रिफ्रेश रेट के बारे में तो जानकारी नहीं है भाई, लेकिन फिर भी फुल HD में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो यहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में भी स्नैपड्रैगन 855 बेटर प्रोसेसर है। नेटवर्क मॉडेम की अगर बात करें, डायमेंसिटी 820 के साथ में आपको इंटीग्रेटेड 5G डुअल मोड मॉडेम देखने के लिए मिलता है, जहां पर डाउनलोड की स्पीड मिलती है आपको 4.7 Gbps की, अपलोड की स्पीड मिलती है आपको 2.5 Gbps की। स्नैपड्रैगन 855 के साथ में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X24 LTE मॉडेम देखने को मिलता है, जहां पर डाउनलिंक के लिए CAT20 मॉडेम दिया गया है और डाउनलोड स्पीड 2 Gbps तक की मिल जाती है। अपलिंक के लिए आपको CAT13 मॉडेम दिया गया है और अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 316 Mbps की। तो LTE मॉडेम के मामले में भी डायमेंसिटी 820 थोड़ा बेटर प्रोसेसर है। एंटूडू स्कोर्स की अगर बात करें, डायमेंसिटी 820 को मिले हैं लगभग 415,000 के आसपास पॉइंट्स, स्नैपड्रैगन 855 को मिले हैं 440,300 पॉइंट के आसपास। तो यहां पर आप डिफरेंस देख सकते हो भाई, और एंटूडू के हिसाब से भी स्नैपड्रैगन 855 बेटर प्रोसेसर है। लास्ट में बात करते हैं Geekbench स्कोर की। स्नैपड्रैगन 855 का Geekbench स्कोर है सिंगल कोर का 3,438 पॉइंट, मल्टी कोर में मिले हैं 10,838 पॉइंट। डायमेंसिटी 820 का Geekbench स्कोर तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जैसे ही डिक्लेयर हो जाएंगे वैसे ही मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपडेट कर दूंगा। तो भाई आपने मुझे अगर अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टाग्राम पर आ जाओ और फटाफट से फॉलो कर लो। तो भाई ये था कंपैरिजन MediaTek Dimensity 820 प्रोसेसर का Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर के साथ में। CPU की अगर बात करें तो 855 के अंदर बेटर CPU मिलता है, क्योंकि वहां पर आपको क्लॉक स्पीड बेटर मिल रही है। हालांकि CPU दोनों के अंदर ऑलमोस्ट एक जैसा आपको देखने को मिलता है भाई, दोनों के अंदर 4A76 वाले कोर्स मिलते हैं, लेकिन जो क्लॉक स्पीड मिलती है आपको थोड़ी सी बेटर मिलती है 855 के अंदर, और उसी के साथ में क्रायो वाले जो कोर्स है वो बेटर ऑप्टिमाइज रहते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा भाई कि CPU के मामले में 855 बेटर प्रोसेसर है। GPU की बात करेंगे तो यहां पर कोई टक्कर है ही नहीं भाई, Adreno 640 बहुत ज्यादा बेटर GPU है, तो GPU के मामले में भी 855 बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस दोनों में आपको एक जैसी मिलती है, और नेटवर्क मॉडेम की बात करेंगे तो यहां पर डायमेंसिटी 820 के अंदर आपको 5G मॉडेम मिलता है, इसलिए नेटवर्क मॉडेम के मामले में 820 बेटर प्रोसेसर है। लेकिन ओवरऑल भाई इस कंपैरिजन की अगर बात करें तो इस बैटल का जो अल्टीमेट विनर निकल के आता है मेरे हिसाब से वो है Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर। आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना भाई कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।